वेलकम क्रिएटर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएटर्स पे। मैं आदित्य सालूरिया एक बार फिर आपके लिए नया सेशन लेकर आ रहा हूँ, जो हमारी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, अपन इसका 8 चैप्टर का स्कूल जो टॉपिक है उसका डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। मतलब आज एसिड बेस एंड सॉल्ट फिर तीनों का मिक्स पढ़ेंगे, क्या जो रिएक्शन बनती है वो हर चीज के बारे में जानेंगे और हर चीज को बिल्कुल डीप पढ़ेंगे। मतलब जीरो से लेकर आपको एक टॉप हाई लेवल तक जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आइए सेशन को चालू करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जो आज का कॉन्सेप्ट है उसको शेयर करें। सीजीएल एग्जाम आने वाला है, 50 दिन से कम बचे हैं। स्टैंडर्ड की वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर में इसकी डेट आ चुकी है, जहां से साइंस का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। ऑलमोस्ट लगभग 14 क्वेश्चन का यहाँ से मैटर आपके बैठ सकता है। तो आप चाहे तो अभी से तैयारी हमारे साथ चालू करें। आइए आज सेशन को चालू करते हैं और हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगले 20 मिनट हम एसिड के बारे में जो पढ़ेंगे वो एक बिल्कुल हाई लेवल का होगा, जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक का होगा और आपको एक एक बारीकी से बारीक चीज आपको अच्छी तरह आज हम समझा देंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, ये तीनों चीजें अपन पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन चालू कर रहे हैं अम्ल के बारे में। आइए अपन ने क्या पढ़ा है अम्ल के बारे में, अपन ने क्या पढ़ा है अम्ल के बारे में, अपने बचपन से यही देखा है। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। बचपन की पहली परिभाषा है जो अपन ने शायद पढ़ी होगी, भाई यही पढ़ी होगी, जो स्वाद में खट्टे होते हैं दैट इज अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू जब अपन चखते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। संतरा कैसा लगता है, खट्टा लगता है। दही खाते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो दैट इज अपन सामान्य जीवन में मानते हैं किसका एग्जाम्पल है, वो एक एसिड के एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। पहली लाइन यहाँ लिख रखी है, अभी जो भी लिख रखा है इसको आपको बाद में पढ़ना है, सबसे लास्ट में क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद आप देखना ये जो पूरा एसिड है ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी आप इस पर ध्यान ना दें। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, प्राचीन उदाहरण क्या कहती है, अम्ल वे होते हैं जो क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। और अपन ने पढ़ा है लिटमस पत्र, लिटमस पेपर क्या होता है, एक सूचक होता है जो हमें क्या बताता है, लिटमस क्या होता है, सूचक क्या होते हैं, सूचक जो होते हैं जो हमें इसके बारे में हमने छार के बारे में जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक से आपको कैसे पता लगता है, सूचक जैसे प्राकृतिक सूचक होते हैं हल्दी गुड़हल के फूल, एक बहुत सारी चीजें होती है लिटमस के प्राकृतिक सूचकों में आता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हो जाते हैं, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल हो गया, आदि बहुत सारी चीजें हमारी प्राकृतिक सूचक के आ जाती है। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, चार एग्जाम्पल देगा निम्न में से प्राकृतिक सूचक है नहीं है या है, जो भी आप इस बात का ध्यान रखें। सूचक होते हैं अम्ल छार की पहचान करने के लिए क्या काम आते हैं, सूचक काम आते हैं, सूचक में क्या है, लिटमस है, इसको अपन ऑब्वियसली हमेशा पढ़ते ही है। लिटमस क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है। लिटमस वही लाइकेन के पौधे से, लाइकेन कौन से समूह का है यह आपको मैम बताएगी। ठीक है, आइए बैंगनी। ठीक है, तो क्या होता है अम्ल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, अम्ल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले लिटमस के पढ़ने जब भी क्लास है मतलब सबसे पहले पढ़ने लगे तो अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ा अनिला, एक अच्छे से ट्रिगर्स की अनिला जालानी, ये बहुत अपन फेमस ट्रिक है। तो आइए यहाँ पे अनिला के बारे में अपने के पढ़ा, ऐसे अम्ल से अम्ल लिटमस पत्र क्या करेगा, नीले से लाल में, तो क्या होगा ब्लू टू रेड। तो हमने क्या, हमने की दूसरी परिभाषा क्या आ गई, प्राचीन वाली, पहले पहली कौन सी है, वे जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जो लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आइए और यहाँ पे हो गया, तो अम्ल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति का होंगे, रासायनिक प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, रासायनिक प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। और ये भी अपन जानते हैं एसिड प्लस बेस, अम्ल में क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, क्षार तक आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपने ये पढ़ रखा है लवण का निर्माण कैसे होता है, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण बनता है। तो अम्ल क्षार से मिलकर उसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इससे क्या निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। प्लस में साथ में क्या बनता है, जल बनता है, दैट इज कॉल्ड ये रिएक्शन क्या कहलाती है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे पढ़ेंगे लेकिन आप अभी सुने, अभी आप पढ़े जिससे आपके कान में रहे ये बात है। ठीक है, आइए और चौथी परिभाषा क्या है, सक्रिय धातु जैसे सोडियम पोटेशियम आदि के साथ मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेंगे। सक्रिय धातु के साथ मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। कौन करते हैं, हम जैसे सक्रिय धातु से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अम्ल की परिभाषा जो अपन ने बचपन से पढ़ी है ना, ये थी अम्ल की हल्की हल्की बातें। आइए हम लोग अपन स्टार्ट करते हैं लिखना। एसिड है, वर्ड है, एसिड वर्ड की उत्पत्ति हुई है एक शब्द होता है एशिया से, किससे हुई है, एशिया से, और जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा।
अम्ल एक एसिड है जिसका अर्थ होता है अम्ल, जिससे ही वर्ड से उत्पत्ति हुई है, उसका वर्ड क्या है? एशियन एक वर्ड है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में अर्थ एशियन का, एशियन का अर्थ होता है खट्टा, एशियन का अर्थ क्या होता है खट्टा, तो जो खट्टा होगा वह क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा, क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ते हुए डेवलपमेंट होता जा रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी बहुत हुए थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने बोला जो अम्ल की हम परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिट्रस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, और जो सक्रिय धातु साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये सब उदाहरण क्या हो जाती है अपन को डी पढ़ने के लिए सही नहीं है। आप इसको कॉमन कॉमन पढ़ सकते हैं कि हाँ अम्ल ये होता है, ठीक है, हमारे ऊपर क्या हो गए दो लाइन आपकी क्लियर हो चुकी है, स्वाद में खट्टे और रासायनिक प्रवृत्ति अम्ल है, अपन समझा चुके हैं, लिटमस पेपर पत्र नीले से लाल कर देते हैं। अब आते हैं हमारे वैज्ञानिक आरेनियस, आरेनियस आया, आरेनियस ने सबसे पहले अम्ल को डिफाइन किया, किसने अम्ल को, आरेनियस ने। आरएनएस के अनुसार क्या है, आरएनएस के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। कौन से विलयन में, जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में क्या करेगा H+ आयन का उत्सर्जन करेगा क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा, जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अब आइए ये हो गया हमारे आरएनएस के अनुसार, तो आरएनएस के अनुसार जो जल में H+ दे देता है क्या हो जाता है H+ क्या होता है, H+ क्या होता है, H+ के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, H+ क्या H+ पाया जाता है क्या ये बता दीजिए आप मेरे को, H+ क्या पाया जाता है क्या, यह है उपस्थित रह सकता है क्या H+ इस रूप में, इस रूप में उपस्थित रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सक्रिय है, बहुत से बहुत ज्यादा सक्रिय है, इस रूप में तो इम्पॉसिबल है मिलना, तो ये कौन से रूप में पाया जाएगा, यह पाया जाएगा H3O+ के रूप में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसी को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इसकी ये फेलियर ये भी था, क्योंकि ये बात करता है H+ की, जबकि H+ का अस्तित्व होता ही नहीं है, अस्तित्व H3O+ का होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पड़ता है H+ को, तो अस्तित्व किसका होता है H+ का होता है, अस्तित्व किसका होता है हाइड्रोनियम का होता है, लेकिन ये बात किसकी करता है, ये बात हमेशा H+ की करता है, तो ये बात तो यही गलत हो जाती है, ठीक है। आरएनएस के अनुसार जल क्या है, जल के बारे में आरएनएस का कथन बताइए, सवाल ये भी आ सकता है आरएनएस के अकॉर्डिंग टू आरएनएस जल क्या है, जल एक सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि हमेशा क्या इसने क्या बताया है, जो जलीय विलयन में H+ आयन का उत्सर्जन करते हैं वह क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं, तो हमारा जल में जल क्या हो गया सार्वत्रिक विलायक हो गया, क्या हो गया विलायक हो गया, जिसमें विलायक हो गया, और जो डाला जाएगा एसिड हो जाएगा तो वो विलय हो जाएगा, क्या होता है विलायक, क्या होता है विलय, किससे बनता है विलय प्लस विलायक, तो जो ज्यादा मात्रा में विलायक होगा तो जल ज्यादा मात्रा में तो क्या हो गया विलायक हो गया, ठीक है। जलीय विलयन में यहाँ तक कोई दिक्कत हो, आरएनएस के अनुसार जल क्या है सर्वत्र विलायक, क्या है सर्वत्र विलायक, हमेशा विलायक, विलायक की बातें काम करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरएनएस। तो जल के बारे में पूछता है कथन, जल के बारे में आरएनएस क्या क्या किया था, सर्वत्र विलायक आ गया, विलायक आ गया, इसने कुछ निकाला जल के बारे में, इसने विलायक कह गया, ठीक है। इसी प्रकार का अपन बेस पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, वे जलीय विलयन जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये तो देता है H+ वो देंगे OH- क्या देंगे OH- क्या कहलाएंगे बेस कहलाएंगे, किसके अनुसार आरएनएस के अनुसार, यहां भी आपके क्लियर हो चुका है क्या कहलाएंगे बेस कहलाएंगे, यहां तक हमारी बातें क्लियर हो चुकी होगी, तो आरएनएस के बारे में आपको जितनी जानकारी मिली है वो आप थोड़ा कंसिडर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए क्या कहना चाहता है क्या नहीं अच्छी तरह और पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे ब्रैनस्टैंड लोरी, ब्रैनस्टैंड लोरी क्या कहते हैं, ब्रैनस्टैंड लोरी कहता है वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या होते हैं वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाए ब्रैनस्टैंड लोरी के अनुसार क्या कहलाए अम्ल कहलाए, तो ब्रैनस्टैंड लोरी क्या कहते हैं नंबर दो, ब्रैनस्टैंड लोरी के अनुसार अपने वाला पढ़ रहे प्रोटोन देने की क्षमता रखते हैं, मतलब प्रोटोन गिवन, जो प्रोटॉन देंगे वो क्या कहलाएंगे अम्ल कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे क्षार कहलाएंगे, तो सिद्धांत का नाम क्या हो गया प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत, क्योंकि ये बस काय के सिद्धांत है, ये ओनली लेने और देने के हैं, प्रोटॉन ही लेगा, प्रोटॉन जब लेगा तो अम्ल कहलाएगा, प्रोटॉन जब देगा तो क्या कहलाएगा क्षार कहलाएगा, प्रोटॉन क्या कहलाएगा प्रोटॉन गिवन कहलाएगा, वे बताना तो किसी प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा इसको थोड़ा गलत बोला, इसको फिर से सुधार करता हूँ, बोलता हूँ जो जो देगा जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो लेने की क्षमता रखते हैं क्षार कहलाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आइए वे पदार्थ जो किसी विलायक में प्रोटॉन देते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलायक में प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं,
वैसे एक रिएक्शन आप लिखिए H A tends to, ठीक है, जल्दी बताइए। H A tends to क्या हो जाएगा, H plus और A minus, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसने क्या करा है, इसने प्रोटॉन मूव करा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। इससे इसका क्या बना, एसिड बना। और ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इसको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। तो ये क्या था, एसिड जो जलीय विलयन में, जो जलीय, जो किसी भी विलायक में H प्लस आयन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं या त्याग देते हैं, H प्लस आयन देने क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और एसिड से क्या बनता है, संयुग्मी क्षार का निर्माण किससे होता है, अम्ल से होता है। किससे होता है, अम्ल से होता है। इस बात का इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, अम्ल से किसका निर्माण होता है, संयुग्मी क्षार का। संयुग्मी क्षार का निर्माण किससे होता है, अम्ल से होता है। तो संयुग्मी अम्ल का निर्माण किससे होगा, समझ चुके होंगे, बेस से होगा। किससे होगा, बेस से होगा। यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी है, जल्दी बता दीजिए। यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी है, जल्दी बता दीजिए। आई होप यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आइए, तो संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी अम्ल, इस बात का ध्यान रखिए क्या होगा, प्रत्यय प्रत्यय कार्य करा, ठीक है। तो ये एसिड से क्या बनेगा, जो H+ देगा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाया। जो H+ लेगा बेस कहलाया। एसिड अम्ल से क्या बनता है, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार के फिर संयुग्मी अम्ल किससे बनेगा, वह क्षार से बनेगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है, आइए समझते हैं आगे को क्या कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है समझते हैं, देखो यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी है, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी है क्या, तो अभी तक मैंने वहां क्या पढ़ा था, प्रोटॉन धातक राय सिद्धांत किसका है, ब्रांस्टैंड डोरी का। प्रोटॉन की बात कौन करते हैं, ब्रांस्टैंड डोरी। जो देगा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो लेगा क्या कहलाएगा, जो जो देगा वह अम्ल कहलाएगा, जो लेगा वह क्षार कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बता दीजिए। According to Branstad Dorey, Branstad Dorey के अनुसार जल क्या है, Branstad Dorey के अनुसार जल क्या है, जल एक उभयधर्मी प्रोडक्ट है। वह अम्ल की तरह भी कार्य कर सकता है, वह बेस की तरह भी कार्य कर सकता है। या तो H+ ले भी सकता है, H+ दे भी सकता है। H+ लेगा तो क्या कहलाएगा, जो लेने की क्षमता रखते हैं, मतलब क्षार कहलाएगा। जब देगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जब देगा तो अम्ल कहलाएगा, जब लेगा तो क्षार कहलाएगा। तो जल के इसमें क्या है, वह चीज उभयधर्मी है, मतलब दोनों टाइप का काम कर सकता है। According to किसके अनुसार, ब्रांस्टैंड डोरी के अनुसार। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बता दीजिए, नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। अब आते हैं इससे बात है लुईस सिद्धांत, वे योगी जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति करते हैं। तो लोन पेयर की बात कौन करेगा, लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। वे योगी जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह योगी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार अम्ल क्या हो गए, लुईस के अनुसार अम्ल वह हो गए जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे वह क्या कहलाएंगे, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जहां तक की बात किसकी हो गई, ये क्या हो गया, लुईस सिद्धांत। लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस बात को आप अंडरलाइन करके याद रखें। यहाँ तक तो लुईस के बाद आप आता है, लुईस क्या है, क्षार। लुईस के बारे में क्या करेंगे, आगे जानकारी निकालते हैं। लुईस के बारे में, जल के बारे में लुईस क्या कह गया, जल के बारे में लुईस क्या कह गया, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा क्या, बताइए। यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है क्योंकि इसके पास तो पहले ही है। तो क्या हो गया, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार जल क्या है, एक क्षार है। क्या है, लुईस क्या है, क्षार है। तो आरएनएस के अनुसार जल क्या है, आरएनएस के अनुसार जल सर्वत्र विलायक। आरएनएस के अनुसार जल सर्वत्र विलायक। और फिर आता है हमारा ब्रांस्टैंड डोरी, ब्रांस्टैंड डोरी के अनुसार जल उभयधर्मी दोनों टाइप से काम कर सकता है, अम्ल भी और क्षार भी। और लुईस के अनुसार H2O क्या है, क्षार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता है, और ये देने का काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे वह क्या कहलाएंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब आइए इसमें थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करते हैं, और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लुईस अम्ल क्या होंगे। लुईस अम्ल वे होंगे जो हमारे पास के, अब आपने यहाँ से क्या सीखा, वाटर को देखे तो लुईस क्षार के बारे में आप यहीं से मैं आपको बोल बोल के बताता हूँ, थोड़ा कंसिडर करना, समझने की कोशिश करना। लुईस क्षार वह कहलाएंगे, लुईस क्षार वह कहलाएंगे जो क्या होगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होगा, मतलब ज्यादा होंगे, लोन पेयर रखेंगे, क्या कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। इस प्रकार इसका उल्टा कर देंगे, लुईस क्षार क्या कहलाएंगे, जिनके पास अष्टक अपूर्ण होगा, अष्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा, क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए अब चौथा सिद्धांत पढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत है जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं, लक्स फ्लड के अनुसार जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं।
ये हमारे चारों सिद्धांत है, आप इन चारों सिद्धांतों को अच्छी तरह रट लेना, अच्छी तरह समझ लेना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से हर साल एक अप्रोच रहती है, अधिक से अधिक सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है, जहाँ पे कंसेप्ट होता है सवाल वहीं से पूछे जाते हैं, वहीं से बनते हैं। आइए और चीजों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी की। हमने की रासायनिक गुण, हमने की रासायनिक गुण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आइए हमने की रासायनिक गुण के माध्यम से अपन क्या कहना चाहते हैं, इस बात को भी अपन कंसिडर करेंगे कैसे। देखो अब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको हम बताएंगे और उसका कंसिडर करना। वो निश्चित क्रियाशील धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। देखो लिख रखा है, तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, रिमूव करते हैं किससे, तनु अम्ल किससे, धातुओं के साथ क्रिया करके। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर CO2 का उत्सर्जन करेंगे, किसका उत्सर्जन करेंगे, CO2 का उत्सर्जन करेंगे। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 आएगा, तनु अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे हैं इस चीज में आपको बताता हूँ। धात्विक ऑक्साइड में एसिड से रिएक्शन करके लवण प्लस जल बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड एसिड से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है ना जो बेस से भी क्रिया करके ये बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बेस से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड लवण वो अम्ल से भी क्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। तो दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे, जब ये धात्विक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तब भी, जब धात्विक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगा तब भी प्रोडक्ट सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी अभी अम्ल के हमारे बड़े बड़े पॉइंट जो हमारे आते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशेष पॉइंट जिनके बारे में आज अपन को चर्चा करनी है, क्योंकि आज अपन को हमें पूरा खत्म करना है। आइए नंबर पॉइंट लगा के लिखिए, एक्वा रेशियो क्या है, अम्ल राज कंसंट्रेशन HCl प्लस कंसंट्रेशन HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेशियो कहलाता है, जो कि एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। इस अनुपात को आप हमेशा रख लेना, 3:1 में पाया जाएगा, कितने में पाया जाएगा, कंसंट्रेशन HCl प्लस कंसंट्रेशन HNO3 क्या हो जाता है, 3:1 में पाया जाता है, कहां में पाया जाता है, 3:1 में पाया जाता है। और एक्वा रेशियो क्या करता है, सोने और प्लैटिनम को गलाने में काम आता है, कौन काम आता है, एक्वा रेशियो काम आता है, सोने सोने और प्लैटिनम जैसी मुद्रा धातुओं को गलाने में कौन काम आता है, एक्वा रेशियो काम आता है। यहाँ तक हमारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आई होप आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। ठीक है, आइए देखो अपन ने सूचकों की बात की, सूचकों के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी तक सूचकों की बात की तो अपन ने सूचक क्या वाली लिटमस के बारे में पढ़ा, लिटमस के बारे में पढ़ा, जो क्या कर देते हैं लिटमस को, नीले से, नीले को मैं ब्लू से, यहाँ से नीले से क्या कर देते हैं, ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन एक नया सूचक पढ़ेंगे, फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लाइन बोलूंगा, दोनों लाइन याद कर लेना, दो लाइन बोलूंगा बस, दोनों लाइन याद कर लेना, हमेशा ये नंबर कंसीडर कर जाएंगे, कोई सी भी एग्जाम हो, हम किसी भी एग्जाम के लिए नहीं कहते कि आप इसके लिए पढ़ो। ठीक है, आइए, यदि विलयन क्षारकीय है, यदि विलयन अम्लीय है, देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए, यदि विलयन अम्लीय है यदि विलयन कैसा है, अम्लीय है, तो फिनोफ्थेलीन क्या होगा, फिनोफ्थेलीन यदि विलयन अम्लीय है तो फिनोफ्थेलीन रंगहीन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है। फिनोफ्थेलीन सूचक है, अपने आप अपने ये कंसीडर करा और कंसीडर करने के बाद अपन ने देखा कि कैसे पता लगेगा कि अम्ल है क्षार है, तो यदि विलयन अम्लीय है तो फिनोफ्थेलीन कैसा हो जाएगा, फिनोफ्थेलीन का रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो अपने उसको डाला, अम्ल डाला, जब अपन प्रयोग करेंगे, इसका एक प्रयोग है, बहुत फेमस प्रयोग है, आपको लेबोरेटरी में समझा दिया गया होगा, आपके बाद कंसीडर आपको यहाँ भी बताएंगे, थोड़ा सब्र रखें। फिनोफ्थेलीन यदि विलयन अम्लीय है तो फिनोफ्थेलीन रंगहीन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, कहीं कोड़े में लिख लेना। और यदि विलयन क्षारकीय है तो फिनोफ्थेलीन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाता है, क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे आइए। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना भी रह रहा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना भी रह रहा है वह है अम्ल वर्षा। किसका? अम्ल वर्षा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अमाशय में पाए जाने वाला एसिड, अमाशय में पाए जाने वाला एसिड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी का। अमाशय में पाए जाने वाला एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको जब आपका थंबनेल है उस पे एक चीज लिखी है, मर्क्यूरेटिव किसे कहा जाता है, मर्क्यूरेटिव किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मर्क्यूरेटिक एसिड, मर्क्यूरेटिक एसिड किसे कहा जाता है? एससीएल को ही मर्क्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ नंबर लिखेंगे, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, अमाशय में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? एससीएल है, इसका दूसरा नाम क्या है? मर्क्यूरेटिक एसिड। तो जब देखो एसिड को अम्ल को संतुष्ट कौन करता है? क्षार करता है। तो जब अमाशय में हमारे पेट में जो भी अमाशय है उसमें पाए जाने वाला एसिड है, उसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी। तो इसको संतुष्ट करने के लिए कौन आएगा? हम क्षार लेते हैं, क्षार में मतलब कौन सा लेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे। इसको इसको संतुष्ट करने को क्षार ही आएगा, वह क्षार कौन सा आएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा आएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एनजीओएच का अल्ट्रास। जहां तक आपको क्षार पढ़ाऊंगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूरा पढ़ाऊंगा इसको, जहां तक कोई दिक्कत जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब एक हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन अब कल कंसिडर करेंगे क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा हो गया है। इसको आप थोड़ा पढ़ना अच्छे से, क्योंकि आज आपका पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई है। तो आप अम्ल वर्षा आपको अपन कल देखते हैं, कल दो मिनट का टॉपिक है अम्ल वर्षा, उसके बाद अपन पूरा बेस कम्प्लीट कर देंगे। कल सेशन कैसा पसंद आया, अधिक से अधिक इसको लोगों तक शेयर करें, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा आपको अप्रोच दी जा रही है हमारी तरफ से। आइए सवाल को कंसिडर करते हैं, जितने भी एग्जाम हमारी आ रही है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक लोगों को हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।